हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं एजुहॉक पॉइंट, एक ऐसा चैनल जहां पर मिलते हैं आपको एडमिशन, इंटर्नशिप, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, करियर काउंसलिंग एंड अदर एजुकेशनल वीडियोस। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं एक नई पीएचडी एडमिशन की वीडियो लेकर। आपने वर्धमान महावीर नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो इसी में पीएचडी एडमिशन 2020 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलीज की गई है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पर यहाँ से, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मैं सारी चीज़ें आपसे इसमें डिस्कस करूँगा, जैसे कि प्रोग्राम क्या है, फीस डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, सीट्स कितनी हैं प्रोग्राम में, सिलेबस क्या है, और भी बहुत कुछ। तो मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट की गई है पीएचडी में एडमिशन के लिए इन द स्कूल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन एंड एजुकेशन इन रेगुलर मोड 4 जुलाई 2020 से आपका प्रोग्राम शुरू होगा। एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो आपका इसमें एंट्रेंस टेस्ट प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। सेकंड पॉइंट इसमें है, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है, कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल हैव ए मास्टर डिग्री। आपके पास मास्टर डिग्री जो आपकी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ए प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री बाय द करेस्पॉन्डिंग स्टेटरी रेगुलेटरी बॉडी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट इन इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन द यूजीसी 7-point स्केल और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्रेडिटेड बाय एन असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन एजेंसी which is approved, recognized and authorized by an authority established, incorporated under a law in the home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting and assuring quality and standard of educational institute। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि वैसे मोस्टली आप सब बच्चों का मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। मेरा मोस्ट जो प्रेफर पॉइंट है यही है, बाकी सब डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए रहता है। सेकंड पॉइंट है कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5% का फ्रॉम 55 to 50% एससी एसटी ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर बच्चों के लिए। इसके अलावा डिफरेंटली एबल्ड एंड अदर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट एज पर द इंस्टीट्यूट डिसीजन, ठीक है, यूनिवर्सिटी डिसीजन। इसके बाद बात कर लेते हैं हम इंपॉर्टेंट डेट्स की पीएचडी के लिए। तो दोस्तों, इसमें चेंजेस हुए हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारी यूनिवर्सिटी ने अपनी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो एक्सटेंड कर दी है। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की बिगिनिंग डेट थी 24 फरवरी और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31 अप्रैल 2020। डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन नोटिफाइड सून, जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा। पहले इसकी डेट दी हुई थी लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से इसकी डेट में चेंज आएगा। एंट्रेंस टेस्ट क्या होगा, कैसे होगा? एंट्रेंस टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग विद क्वालिफाइंग मार्क्स एस 50%। 50% क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आने चाहिए एंट्रेंस टेस्ट में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। द सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें रिसर्च लैंग्वेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे एंड 50% शैल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा। टाइम अलॉटेड फॉर पीएचडी एंट्रेंस रिटर्न टेस्ट विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट शैल बी इंटरव्यूड, उसके बाद आपका इंटरव्यू उसमें होगा। इंटरव्यू बायोवास जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। उसके लिए आपको वेन द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस, वहाँ पर कैंडिडेट से डिस्कस किया जाएगा उनके रिसर्च एरिया के बारे में, रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में, थ्रू ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड के से आपको उसको समझाना होगा। द मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू, बहुत दोनों को मिलाकर ही आपकी फाइनल मेरिट इसमें बनने वाली है। अब मैं बता देता हूँ सीट्स कितनी रहने वाली हैं। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया नहीं कि सब्जेक्ट किस किस पीएचडी कर सकते हैं, तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज और उनकी सीट भी बता जा रहा हूँ यहाँ पर। तो स्कूल का नेम तो जैसे कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन में जर्नलिज्म सब्जेक्ट होगा, उसमें सीट है 2। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में कॉमर्स सब्जेक्ट है एंट्रेंस टेस्ट का, उसमें नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज 1 है। टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, चेंजेस भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में इंग्लिश में 2, पॉलिटिकल साइंस में 2 सीट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 सीट्स, ज्योग्राफी में 1, संस्कृत में 2 और एजुकेशन स्कूल में एजुकेशन सब्जेक्ट इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 5। टोटल 17 नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी उन्होंने रिलीज की है। इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है उसकी बात कर लेते हैं हम। जैसे कि नो कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ
क्वालिफाइड UGCC SIR NET GNRF एक्सेट्रा। अगर आपने कोई भी एग्जाम क्लियर किया है तब भी आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना ही होगा। द PhD एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड एट कोटा ओनली, एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ कोटा में ही होगा। टाइम अलॉटेड फॉर PhD एंट्रेंस टेस्ट टोटल 2 आवर्स। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। एंट्रेंस टेस्ट सेल भी क्वालिफाइंग विद क्वालिफाइंग मार्क्स 50%। मैंने बताया था आपको उसमें 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, 50% आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसके अलावा अगर एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर की कोई लैंग्वेज पेपर दिया दे रहे हो तो उसकी लैंग्वेज उसी में होगी, नहीं तो पेपर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश कोई लैंग्वेज में होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। द एग्रीगेट क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 50%। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फी डिस्ट्रीब्यूशन की। ट्यूशन फी रहने वाली है कि 25,000 पर ईयर PhD प्रोग्राम के लिए। रजिस्ट्रेशन फीस है 5,000 रुपीज़। लाइब्रेरी क्वेश्चन मनी है 1,000 रुपीज़। लाइब्रेरी फी है 3,000 रुपीज़। लेबोरेटरी फी है रिसर्च के लिए 3,000 रुपीज़। थीसिस सबमिशन एंड एवेल्युएशन फीस होगी 10,000 रुपीज़। इसके बाद बात करता हूँ सिलेबस की। सिलेबस में डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको मेन मेन टॉपिक बता देना चाहता हूँ। रिसर्च मेथोडोलॉजी में सिलेबस को रिसर्च बेस्ड पेपर में है। कुछ फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन, मेजरमेंट, रिसर्च स्ट्रेटजीज, सैम्पलिंग, एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च, ये 20 मार्क्स के इनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। सेकंड होगा लैंग्वेज इन रिसर्च इंग्लिश एंड हिंदी में 10 मार्क्स का वो होगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रिसर्च 10 मार्क्स का। लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स का। इसके अलावा सिलेबस ऑफ स्पेसिफिक पेपर का होगा, लिंक आप देख लीजिए स्लाइड में दिखाई जा रही है, और इसको लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहाँ पर जाकर चेक कीजिएगा और सारा डिटेल में सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास इसमें है। फॉर डिटेल विजिट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.bmou.ac.in। क्वेरी में भी एड्रेस ऑन रिसर्च @bmou.ac.in। इन्होंने अपना टोल फ्री नंबर 1800180666 की प्रोवाइड किया हुआ है, स्लाइड में देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा लिखकर, वहाँ पर जाकर आपको कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। दोस्तों डेट के लिए अभी श्योर नहीं है, डेट में चेंजेस होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।